जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एथिक्स में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। बिहार विधानसभा की तरफ से वैकेंसीज आई हुई है, जिस वैकेंसी के बारे में हमने आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट भी दिया है। आपको बता दें कि उसके रिगार्डिंग कुछ नोटिफिकेशन आए हैं जो कि इसके अमेंडमेंट को लेकर है। ये कोरिएंडम है और ये कोरिएंडम जारी किया गया है फॉर द एडवर्टीजमेंट संख्या 3/2024 को लेकर। अब आपको बता दें कि जो भी छात्र एएसओ की वैकेंसी के लिए आवेदन करना चाहता है या असिस्टेंट केयर टेकर का आवेदन करना चाहता है या जूनियर क्लर्क का आवेदन करना चाहता है या रिपोर्टर का आवेदन करना चाहता है, तो आपके लिए जो वैकेंसीज का अपडेट दिया गया है या आप लोग यहां से क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अभी अभी थोड़ी देर पहले एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ये कोरिएंडम जो जारी हुआ है इसको समझने का जरूरत है आपको। तो पहले मैं इस कोरिएंडम को डाउनलोड करता हूं यहां से, और ये तो आपको आवेदन करने का, यहां से क्लिक कीजिएगा जैसे कोरिएंडम पे, तो आपको एक पीडीएफ यहां पे आपको देखने को मिलेगा। इस पीडीएफ में क्या कहा गया है, क्योंकि देखिए सरकार बदलते ही फैसले भी बदल दिए गए हैं। शुद्धि पत्र है ये। शुद्धि पत्र किस बात की है? बिहार विधानसभा सचिवालय के अंतर्गत यहाँ पर प्रतिवेदक, निजी सहायक, आशुलिपिक के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु यहाँ पर प्रकाशित विज्ञापन संख्या 3/2024 की कंडिका 10 में, क्योंकि ये नोटिफिकेशन मैं आपको पहले तो दिखा दूं, है ना, कि इसके लिए बोला गया था कि परीक्षा शुल्क यानी कि फीस अंतर्गत छठे पंक्ति में अंकित था कि एक से अधिक पदों पर आवेदन करने पर एक ही शुल्क देय होगा। ये मैंने आपको उस समय इंडिकेट भी किया था कि देखिए बच्चों, यहाँ पे ये जो वैकेंसीज निकाली गई है, परीक्षा शुल्क जो मांगी जा रही है, ये परीक्षा शुल्क जो है आपका क्या, तो एक पद से अधिक अगर आप आवेदन करते हैं तो एक ही बार आपको पैसा देना है। मैंने वहां पर इंडिकेट किया था आप लोगों को, लेकिन अब इसमें कर दिया गया है बदलाव। अलग अलग पद के लिए अतिरिक्त शुल्क भुगतान की आवश्यकता नहीं है, ये लिखा गया था। उसके स्थान पर, के स्थान पर अलग अलग पदों के लिए अलग अलग परीक्षा शुल्क आपको अब देना होगा। तो अब कितना परीक्षा शुल्क है ये समझने योग्य बातें हैं। तो ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आप इसको आके अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो इसका नोटिफिकेशन आपको पहले वाला देखने को मिलेगा, जहां पे मैं इसको चलिए डाउनलोड कर लेता हूं। पहले तो यहां पे देखिएगा, एडवर्टीजमेंट संख्या 3/2024 जो है, आप इसके लिए आवेदन 29 तारीख से शुरू हो चुका है और ये 15 फरवरी तक जो है आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 17 फरवरी लास्ट डेट होगा फॉर्म भरने को लेकर। ठीक है, नीचे आते हैं इस नोटिफिकेशन पे, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूं और यहां पे देखिएगा पैरा नंबर 10 में बोला गया है। यहां पे देखिएगा, ये देखिए पैरा नंबर 10 में क्या बोला गया है सर, कि यहां पे अगर आप इसको आवेदन करते हैं तो आपको जो है इसके लिए अलग से शुल्क देना नहीं पड़ेगा। एक ही के लिए परीक्षा शुल्क में बिहार राज्य के मूल निवासी जो भी छात्र हैं, ओबीसी, ईबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, तो आपको किसी भी वर्ग या कोटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 600 रुपया देना है। ठीक, लेकिन अगर आप एससी एसटी से आते हैं, महिला अभ्यर्थी हैं, मूल निवासी हैं बिहार की, तो आपको 150 रुपया लगेगा। लेकिन बोला गया था कि एक से अधिक पदों पर आवेदन करने पर एक ही शुल्क दे होगा, मतलब आपको एक ही बार शुल्क देना है। अलग अलग पद के लिए अतिरिक्त शुल्क भुगतान की आवश्यकता नहीं है, तो ये तो अच्छी बात है छात्रों के लिए। एक तो वैकेंसी के नाम पे आप लोग जो है 600 रुपए ले रहे हैं यहाँ पे, और वैकेंसी के नाम पे 5 वैकेंसी निकाले हैं, वैकेंसी के नाम पे 4 वैकेंसी निकाले हैं, वैकेंसी के नाम पे 13 वैकेंसी निकाले हैं। तो ये तीन तरह की वैकेंसी तो निकाले हैं, लेकिन कुल पद की संख्या आप जोड़ेंगे तो शायद 600 भी वैकेंसीज नहीं है। 600 छोड़िए, 60 वैकेंसी भी नहीं है। 60 तो मतलब मैंने ज्यादा कह दिया। फिर भी सरकार को सोचना चाहिए कि गरीब छात्रों के साथ ये कैसा बर्ताव किया जा रहा है। अब देखिए, जो भी छात्र इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, ये इसका एडवर्टीजमेंट है यहाँ पे, जिसके लिए आपको आवेदन करना है। अब आप चाहे तो आवेदन कर सकते हैं या चाहे तो इसको छोड़ सकते हैं। ज्यादा पद है नहीं यहाँ पे, आपको बता दे कि आवेदन करने में आपका नुकसान ही होगा। तो यहां से आप क्लिक करिएगा जैसे ही आवेदन करने के लिए प्रक्रिया में, तो आपसे यहाँ पे बोलेगा कि आप यहाँ पे जो है नया रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, या तो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो ऑलरेडी एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड डाल के लॉग इन कर लीजिए। अब यहाँ पे ये प्रोसेस दिया गया है कि आपको कैसे कैसे आवेदन करना है। मैंने रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दिया, ऐसे ही आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। ध्यान रखिएगा, नेम और डेट ऑफ बर्थ जो है आपका वही होना चाहिए जो मैट्रिकुलेशन के डेट ऑफ सर्टिफिकेट पे है। अब यहाँ पे जो है आपको बता दे कि अपना नाम के आगे जो है यहीं से मिस्टर मिसेज लगा लीजिएगा। मेल है तो मिस्टर लगाइएगा, फीमेल है तो मिसेज लगाइएगा, और बाकी समझ ही रहे हैं यहाँ पे श्रीमती श्रीमान किसको लगाना है। और एमडी अगर मुस्लिम कैटेगरी से आते हैं तो एमडी आप लगा सकते हैं, जैसे कि नाम के आगे
बहुत सारे छात्रों का होता है। अपना नाम यहाँ पे सिर्फ लिखिएगा, अगर आप कंफर्म कीजिएगा तो यहाँ पे देखिएगा अपना नाम फिर से लिखना होगा। ईमेल आईडी पे यहाँ पे अपना ईमेल आईडी ऐसा दीजिए जो कि एक्टिवेट हो, इसका आईडी पासवर्ड आपको याद हो। जेंडर आपको अपना डालना है, मेल है फीमेल है, जो भी कैटेगरी में आप आते हैं। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है आपका, कि मैंने आपको बताया है यहाँ पे स्नातक मांगा गया है, और यहाँ पे क्या है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वो आपको बता देना है। 12th लेवल की वैकेंसीज भी है इसमें एक्चुअली ऑलरेडी, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला गया है कि क्या आपने रिपोर्टर पद के लिए जो वैकेंसी निकली थी 1/2019 उसके लिए आवेदन किया था, तो यस और नो में जवाब दे देना है, और अगर आपने नहीं किया तो नो पर कीजिएगा। अगर आपने यहाँ बोल रहा है कि क्या आपने जो है बिहार सरकार की सरकारी कर्मचारी हैं लगातार 3 साल से, तो अगर हैं तो ठीक, नहीं तो नो पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे अगर हैं तो देखिए आपसे जानकारी शायद मांगी जाएगी जब आप फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। तो यहाँ पे आप बोल रहा है कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं, मतलब तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे यस और नो पे क्लिक कर लीजिएगा। और यहाँ पे क्या पूछा गया कि पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो यस पे और नो पे क्लिक कर लीजिएगा। यस है तो बताना पड़ेगा आपको अपनी कैटेगरी, उसका सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। डोमिसाइल है या नहीं है बिहार का ये बताना है आपको। कैटेगरी कौन सी है, जनरल है, ओबीसी है, बीसी है, या कौन सा कैटेगरी आप बता दीजिए। डेट ऑफ बर्थ आपको अपना यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, है ना, कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो पहले अपना नाम ईमेल आईडी डालिएगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी आपको ले लेगा। फिर उसके बाद एज क्राइटेरिया, मतलब कि कैलकुलेट करके दे देगा कि कितने उम्र का आपका हो गया है, और मोबाइल नंबर अपना डालिएगा, फिर आपको उस पर ओटीपी आएगा, उसको डाल के रजिस्टर कर लीजिएगा, फिर लॉगिन कीजिएगा दोबारा यहाँ पे क्लिक करके। जैसे ही लॉगिन कीजिएगा आप इस पेज पे आ जाइएगा, यहाँ पे आपको फिर अपना एप्लीकेशन नंबर या फिर मोबाइल नंबर डालिएगा, पासवर्ड जो आपको मैसेज आया है वो डाल के लॉगिन कर लीजिएगा। फिर उसके बाद जो है आपको यहाँ पे अपना सारा एप्लीकेशन डालना है, एजुकेशन डिटेल डालना है, क्या क्या आप एजुकेशन में किए हैं उसकी जानकारी लेनी है। फिर जो है आपको यहाँ पे जो है तीसरा अपडेट है कि पर्सनल डिटेल डालना है, एड्रेस वगैरह पूछेगा, है ना। और फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, 10th का, 12th का, अगर ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन तक का, डिप्लोमा अपना किया है तो उसका भी सर्टिफिकेट। फिर पेमेंट करना है, देखिए 600 रुपया ज्यादा है, मैं आयोग से फिर भी बोलूंगा कि ये कम किया जाए, आपने दो तीन बार तीन मतलब 13-15 पोस्ट के लिए इतना वैकेंसी के लिए फीस नहीं देना चाहिए, लेना चाहिए। फिर इसके पास आपके पास जो है फॉर्म भर लीजिएगा तो एक पावती इसका डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिएगा। तो ये 6 प्रोसेस है यहाँ पे इस फॉर्म को भरने को लेकर, इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। कोई जानकारी अगर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, या फिर आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, इन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कीजिए, हेल्पलाइन नंबर है ये या ईमेल आईडी है ये, यहाँ पे आपकी मदद जरूर की जाएगी। तो इस तरीके से जो है आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और जो भी सेक्शन की योग्यता है हमने आपको सब कुछ जानकारी दी है लास्ट वीडियो में, उसका डिस्क्रिप्शन लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप उसको भी जरूर देख लीजिएगा। जय हिंद, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।